जय हिंद कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और हमारी वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो आज जो ट्रायल ले रहे हैं हम 1600 मीटर का, उसका भी आप पूरा भरपूर आनंद लें। और दोस्तों ये जो अभी जैसे पहले सिस्टम हमारा बंद था, और अभी जो है न्यू बैच दोबारा 20 तारीख से हमने स्टार्ट किया है, और उसका जो फर्स्ट ट्रायल हम जिनकी जब लॉकडाउन के बाद दोबारा फर्स्ट ट्रायल रखा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ पुराने लड़के भी होंगे हमारे, और कुछ जो नए बच्चे जो कि अभी एडमिशन ले रहे हैं तो वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छा ट्रायल दिया है और बहुत बढ़िया तरीके से भागे हैं। इससे पहले आप वीडियो का मज़ा लें और वीडियो का पूरी तरह से लुत्फ़ उठाएं तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे पास उन घरों के बच्चे आ सकें जिन्हें कमांडो डिफेंस एकेडमी की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारा जो है, आपको ये भी पता है कि हमारा जो कि बिल्कुल लो रेट और इतना अच्छा माहौल, जिनकि बढ़िया खाना पीना रहना सहना दौड़ना पड़ना सारा जो सिस्टम हम तकरीबन 5000 में हर एक फैसिलिटी बच्चों को देते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं और अपना जो भर्ती होने का सपना जो कि लेके बैठे हैं आप, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो माहौल तकरीबन खुल गए हैं, अकेडमियां पूरी खुली हुई हैं, और जो भर्तियां जो कि लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो जल्दी से जल्दी आपकी भर्तियां जो कि शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको ये वीडियो तभी मैं आपको ये बना के हम दिखाना चाहते हैं कि अभी देखना एक चीज़ और इस वीडियो में आप गौर करें कि एक लड़का जो हमारा सबसे आगे चला हुआ था, पहला चक्कर आगे था, दूसरा चक्कर आगे था, और अभी जो आगे चला हुआ लड़का जो पीछे कैसे हो गया, तो ये चीज़ भी आप नोट करें। आप जब 1600 मीटर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मान लो आप ये गलती करते हो, उस बच्चे की क्या गलती है, आपको क्या करना चाहिए था। जिस आपको मान लो आप जितने भी बच्चों में आप रनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, आप 60 से 70 मीटर तक आप जो लगा सकते हैं, उसके बाद यदि आपकी लीडिंग आ गई है तो आप स्टेप से चलें, क्योंकि इतना स्टैमिना आपके पास नहीं होगा कि आप एक चक्कर भी फास्ट लगा दिया, दूसरा भी फास्ट लगा दिया, अभी तीसरा भी फास्ट लगाएंगे तो आप डेड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अभी देखें जो बच्चा एक चक्कर में आगे था, अभी दूसरे चक्कर में भी आगे था, अभी तीसरे चक्कर में वो कौन सी पोजीशन में चला गया। तो दोस्तों ये देखें अभी वो बच्चा जो है तीसरे नंबर पर चला गया, एक मिनट भरना शुरू हो जाएंगे। होश ला, तो दोस्तों ये गलती आप कभी ना करें, और जब भी आप सोच के मार बिल्कुल भर्ती के लिए जा रहे हैं तो यदि आपने लीड ले ली है उसके बाद आप स्टेप से चलें और स्टेप से ही फिनिश करें, और लास्ट जब मान लो एक चक्कर बच गया है तब आप अपना पावर लगाएं और फिर जाके फिनिश करें। तो दोस्तों मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूं कि आप सही तरीके से और सही गाइडेंस से यदि आप रनिंग करते हैं तो रिजल्ट 100% आता है। और दोस्तों न्यू बैच है ये, और 20 तारीख से जो हमारी एडमिशन जो कि स्टार्ट हुई थी, यानी कि 20 तारीख से, इस 20 से हमने जो नया बैच इसका जो ट्रायल फर्स्ट ट्रायल हमने रखा था, और आप देख सकते हैं कुछ पुराने लड़के हैं कुछ नए लड़के हैं। और यदि आप भी कमांडो डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना सोल्जर होने का सपना जो के लेके बैठे हैं, वो के पार सट सीधा कानून चले अगेन सट के चलो, हमारे पास अगेन सट पार नंबर पर आप पार अगेन सट पार सीधा पार जो भर्ती होने का सपना लेके वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि 20 जो कि 20 मार्च को पुलिस का जो रिटर्न टेस्ट हो रहा है वो डेट भी लगभग आ गई है, तय है, और हो सकता है कि वो 20 मार्च को रिटर्न टेस्ट हो जाए, हो सकता है नहीं, तकरीबन तकरीबन चांस है कि वो रिटर्न टेस्ट होगा।
और मैं एक और गुड न्यूज आपको बताना चाहता हूँ कि 27 मार्च को जो कि सेंटरों के जो रिटर्न रखे थे वो उनकी डेट जो 27 मार्च को रखी गई है। तो आप ओपन भर्तियों की जो भर्तियाँ हुई थी वो भी डेट आप तकरीबन मान के चलते हैं कि 27 मार्च को वो भी रिटर्न टेस्ट जो तकरीबन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप यदि ग्रुप में यदि आप कंपटीशन उस जगह पर आप ट्रेनिंग करते हैं उस जगह पर आप जोर लगाते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आप उस जगह पर आपको जाना चाहिए जहाँ आपको रात को नींद ना आए, रात को जिनकी आप मेहनत कर रहे हैं जो लगा रहे हैं तो आपके बॉडी को पता लगना चाहिए कि आपका पावर लग रही है, आपको मॉर्निंग में दिल नहीं कर रहा है कि ग्राउंड में जाने का, तो उस जगह पर आप प्रैक्टिस करते हैं, उस जगह पर आप मेहनत करते हैं तो वहाँ आपको रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना हमें हमारे हौसलों को और ज़्यादा बढ़ाता है, हमारी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाता है। और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ, लव यू बोलता हूँ और सभी को दिल से मैं प्यार करता हूँ, सभी बच्चों को और सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं दिल से प्यार करता हूँ। और क्योंकि हम दोस्तों हम जो भी ये सिस्टम लेके बैठे हैं ये सिर्फ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपकी ही ट्रेनिंग के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो फौज का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारा जो ट्रेनिंग का जो तजुर्बा है, जो चीज़ हम जहां आपको कराएंगे वो चीज़ आपको दोस्तों सेंटरों में काम आएगी, क्योंकि आधे फौजी हम आपको जहां बनाएंगे और वही चीज़ें आपको जाके आर्मी में करनी है और आपको वो फ़ायदा देंगी। तो दोस्तों आप हमारे पास आ सकते हैं, न्यू बैच हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और अपना जो भर्ती होने का जो सपना लेके बैठे हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, लव यू एंड थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ओके, जय हिंद दोस्तों।